मुझे भाई आप पहले बसपा क्या सोच के सपा में ज्वाइन किए, क्या बसपा क्यों छोड़ी? सबसे बड़ी बात है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका जो जन जन को संदेश है, विकास का संदेश है, रोजगारों का, रोजगार लोगों के लिए रोजगार देने का संदेश है, और जो उन्होंने डेवलपमेंट करा है उसका सबसे बड़ा लोग में ये जानकारी है कि जो डेवलपमेंट करा है वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत कुछ है गिनाने के लिए, तो आपको मैं एक तरफ से अगर गिनाऊं तो उन्होंने विकास के नाम पे आगरा एक्सप्रेस वे जो बनाई है उसकी क्वालिटी देखिए आप, और जो उन्होंने स्टेडियम बनाया, आईटी सिटी बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, 10-90 चौराहे पे जितना भी डेवलपमेंट करा है लखनऊ में उन्होंने ही करा है, JPNIC जैसी करा, कैंसर हॉस्पिटल करा, गिनाने के लिए तो बहुत कुछ है मगर शब्द कम पड़ जाएंगे, काम बहुत है। तो काम के बेस पे और सब समाज को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं और काम करके दिखाएंगे, और काम करा है, विकास का काम करा है। हम लोग लोगों को झांसा देने नहीं आए, जैसे BJP के लोग झांसा देते हैं, हम लोगों को झांसा नहीं देना है, सब समाज को जोड़ना है, सारे समाज के लेकर के आगे बढ़ना है और विकास का काम करना है। चुनाव के समय ही क्यों ज्वाइन किया था पर? हमारा जो वर्क है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुझको आदेश दिया तब मैं आ गया। हम तो सिपाही बन करके आए, तो ऐसा कोई हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे जहाँ ड्यूटी लगा देंगे, जैसा उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालेंगे। मुझे भाई बात ये हो रही कि आप बसपा क्यों छोड़कर चुनाव लड़ चुके हैं बसपा सिंबल से, बसपा क्यों छोड़ी है समाजवादी? समाजवादी का जो वर्क है, जो काम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है उस पर प्रभावित होकर के मैं बसपा छोड़ करके किस विधानसभा से लड़ने की इच्छुक हूँ? मैं ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है, मैं तो सिर्फ सिपाही के तौर पर पार्टी में आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वो सिपाही के तौर पर करेंगे, बूथ से लेकर के जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वहाँ का। आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? लोगों में संदेश देना है कि जो पार्टी नौजवानों के बारे में समझे, महिलाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, ऐसी पार्टी को हम लोग सब जन फिर से जिता कर भी जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वो सिपाही के तौर पर करेंगे, बूथ से लेकर के जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वहाँ का। आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? लोगों में संदेश देना है कि जो पार्टी नौजवानों के बारे में समझे, महिलाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, ऐसी पार्टी को हम लोग सब जन फिर से जिता करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये सोच करके आज हम लोग ने कांग्रेस करें। 2017 में आपने चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पे आप रहे, अब 5 साल बाद के चुनाव में अच्छी दिखाई पा रहे हैं, इसके बारे में दिखाई नहीं पड़े आप? हम लोग अपने क्षेत्र में आते जाते रहते हैं मगर चुनावी माहौल नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस टाइप की बातें नहीं हो पाई। अपना गांव है, हमारा घर है, यही के हम पैदा होने वाले हैं, यही हमारा गांव, बाग बगीचा, खेत बाड़ी, यही है, हम लोग कहाँ जाएंगे आज कल करके। सामने देखिए धन्यवाद।